सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पड़ोसी राज्य के जाल साजों पर सिकंजा कसा तो पलामू को अपनों ने ही लूटना शुरू कर दिया। पलामू पुलिस ने 3 जाल साजों को गिरफ्तार कर रैकेट का पर्दाफाश किया है। जमशेदपुर के कौशिक सरकार नामक जालसाज के चंगुल में फंसकर पलामू के लेस्टगंज के 2 और शहर थाना अंतर्गत हमीदगंज का 1 जालसाज बैंकों से फर्जी कर बड़ी रकम की निकासी का काम करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी चेक से लेकर खाताधारियों का मोबाइल नंबर तक बदलने में माहिर इस गिरोह का चेहरा बेनकाब हुआ। दरअसल कौशिक सरकार बड़ी रकम देकर शहर थाना के हमीदगंज निवासी ललित मेहता से फर्जी दस्तावेज देकर काम कराता था, जिसमें ललित लेस्टीगंज के ही मुरमुसी निवासी वशिष्ठ राम और दारूडी निवासी पवन विश्वकर्मा के सहयोग से खाताधारियों का जाली चेक जाली हस्ताक्षर से फर्जी निकासी का काम को अंजाम दिया करता था। मामला तब सामने आया जब 8 जुलाई को SBI के रेड़मा ब्रांच मैनेजर सुदेश कुमार ने बिहार ड्रेसेस के मालिक स्वरूप सिंह नामधारी के खाते से 6.5 लाख रुपए फर्जी रुपए निकासी की प्राथमिकी दर्ज की। वहीं अगले 10 दिन बाद ही शहर के नामी व्यवसायी केडिया टेक्सटाइल के मालिक मोहनलाल केडिया के खाते से भी 18.5 लाख की रकम फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। जालसाजों के बढ़ती घटना को देखते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज के अलावा जांच की तो मामला खुलकर सामने आ गया। DSP प्रेमनाथ के नेतृत्व में जांच दल ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जमशेदपुर में कौशिक सरकार की भी खोजबीन जारी है, जिसके सर पे जमशेदपुर में ही 40 लाख रुपए फर्जी निकासी का मामला दर्ज है। पलामू पुलिस कप्तान ने आम नागरिकों से किसी भी तरह की बैंक या व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य से साझा नहीं करने की अपील की है। साथ ही अपने खाता को मोबाइल से जोड़े रखने एवं अपने खाता की जांच करते रहने का आग्रह किया है। साथ ही पलामू पुलिस ने जालसाजों को पैर पसारने से पहले पलामू में निस्तनाबूद करने का भरोसा भी दिया है। क्लोन चेक बनाकर यानी जाली चेक बनाकर शहर थाना अंतर्गत SBI की 2 शाखा से जो है पहले से 6.5 लाख रुपया, दूसरे से 18 लाख 31 रुपया के 31 लाख रुपया की जो 31,000 रुपया की जो निकासी की गई थी, उसी में 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। उसमें से एक ललित कुमार मेहता है, एक दूसरा वशिष्ठ कुमार राम है, तीसरा पवन कुमार विश्वकर्मा है। इसमें 2 महिलाएँ भी संलिप्त है, एक सवीना देवी है, दूसरी ममता देवी है, और जमशेदपुर का एक व्यक्ति जो है उसकी भी छापामारी हम लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस से भी संपर्क में है, कौशिक सरकार वो भी इसमें शामिल है। तो पूरा का पूरा रैकेट को हम लोगों ने अभी तक प्रारंभिक दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई किया है। इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।